नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक न्यूज चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के चुनाव के अंदर आज जो है प्रचार अभियान काफ़ी जोर पकड़ चुका है। बिहार चुनाव के अंदर गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है, इसी बीच तेजस्वी यादव ने पूरा का पूरा अपनी पार्टी का फॉर्मूला लोगों के सामने दिल खोल कर रख दिया है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का फार्मूला उन्होंने चुनाव से पहले ही खोल कर रख दिया है। जैसे कि तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि मुख्यमंत्री बनते ही पहले दिन उनकी यही घोषणा होगी, उनका यही काम होगा कि वह 10 लाख रोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। इसी के बीच उनकी लोकप्रियता भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। पार्टी का मार्जिन ओपिनियन पोल के अंदर भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। सबसे पहले आपको वो फार्मूला बता देता हूँ जिस फार्मूले के तहत तेजस्वी यादव बिहार के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी सरकार बनते ही पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। इसकी सारी रूपरेखा मैंने तय कर ली है। हम ठेठ बिहारी है, जो भी कहते हैं वह करके दिखाते हैं। कोरोना काल में वर्चुअल रैली करने के बाद शुक्रवार से आरजेडी ने एक एक्चुअल रैली की शुरुआत की। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 5 चुनावी जनसभा संबोधित की। बिहार के कैमूर में जनसभा संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आने पर 10 लाख युवाओं को रोजगार कैसे देंगे। जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। इसकी सारी रूपरेखा मैंने तैयार कर ली है। हम ठेठ बिहारी है, जो भी कहते हैं वह करके दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि हम नौकरियां कहां से आएगी, तो मैं बता दूं कि 4.5 लाख नौकरी शिक्षा विभाग में मिलेगी, उसके बाद पुलिस महकमे में काफ़ी पद रिक्त है, उन्हें भरा जाएगा। इसी तरह तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार रोजगारों का केंद्र बन गया है, यहाँ पर 46% औसत बेरोजगारी है। बिहार में इस दूसरे घर के लोग प्लान कर रहे हैं। इस प्लान पर मुख्यमंत्री सुशील मोदी कहते हैं कि लोग मौज करने के लिए बाहर जाते हैं। मुझे उनके बयान पर हंसी आती है, उनके बयान से वो काफ़ी नाराज़ है। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने आप लोगों को फार्मूला बता दिया है कि शिक्षा विभाग में ही 4.5 लाख के आसपास नौकरी है, और देखा जाए तो अन्य नौकरी अन्य विभाग में है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट में हो, थोड़े थोड़े पदों को करके टोटल मिला के 10 लाख रोजगार जो है युवकों को नौकरी दे सकते हैं, रोजगार को रोजगार मिल सकता है। 10 लाख नौकरियों के यहाँ पे अवसर है। अब बात करते हैं बिहार के अंदर ओपिनियन पोल की। इसी बीच तेजस्वी यादव दिन प्रतिदिन धुआंधार ऐलान कर रहे हैं, पार्टी को धुआंधार जीत दिलाने के लिए नए नए झंडे रचे जा रहे हैं। यहाँ पे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तेजस्वी यादव को नीचे गिराने के लिए। इसी बीच आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि सट्टा बाजार में भी अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। यहाँ पे तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी का मार्जिन 160+ सीटें आज हो चुका है, वहीं पे 100 से भी नीचे आ चुका है यहाँ पे जेडीयू और बीजेपी का मार्जिन। 80 पे अटक चुका है जेडीयू बीजेपी का मार्जिन, यानी यहाँ पे जेडीयू पार्टी काफ़ी अच्छा जोर लगा रही है, लेकिन बीजेपी का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी 20-30 सीटें निकालने में कामयाब हो रही है, और आरजेडी पार्टी को काफ़ी ज़बरदस्त सीटें मिल रही है। 130-140 सीटें यहाँ पे आरजेडी पार्टी को मिल रही है। टोटल मिलाकर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस 160+ सीटें, और उधर बीजेपी और जेडीयू पार्टी 80+ सीटें निकालने में भी कामयाब नहीं हो रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? दिन प्रतिदिन धुआंधार ऐलान, और दिन प्रतिदिन यहाँ पे यह भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इनडायरेक्टली जो है चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ है, और उनका वोट बैंक मार्जिन भी तेजस्वी यादव के मार्जिन में जुड़ रहा है। इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़ रहेगा हमारे चैनल के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।